your construction chapter for 10th standard is divided into three parts, and every part is connected to some other chapter. Theek. So if we talk about first topic, which is line division, ये connected है coordinate geometry से. कैसे? Coordinate geometry में section formula आता है, वो भी line division की बात होती है, और ये भी line division की ही बात है. वहाँ पे भी हम लोग को ratios ढूंढने होते हैं, यहाँ पे भी ratios दिए हुए होंगे, and so we'll be able to divide the line. Second topic is triangle scaling. Triangle scaling is directly indirectly connected to triangles chapter. उसमें BPT लगेगा, है ना? फिर ये वाला ratio वाला topic भी लगेगा, so ये आएगा तो वही तो वो आएगा. And third topic is circle tangent. क्या करेंगे circle tangent में? अब ये topic जो है circle chapter से related है, ठीक है? So ये करते कराते ना आपको वो जो दो तीन chapters connection में हैं, वो थोड़े बहुत और पक्के हो जाएंगे, right? Line division में हम लोग को काम आएगा BPT और coordinate geometry का knowledge, okay? क्वेश्चन दिया हुआ कैसे होगा? एक लाइन बनानी है आपको जिसकी लेट से लेंथ है 6 सेंटीमीटर और 8 और 10 और 7 और 5 और व्हाटएवर, ठीक है? आपको इसको डिवाइड करना होगा इस गिवन रेशियो में, और इसके जो अभी मैं ले रहा हूँ वो रेशियो है लेट से 2:3. मतलब 6 के ऐसे हिस्से करो कि एक हिस्सा टू पार्ट्स का हो और एक हिस्सा थ्री पार्ट्स का हो. एक मैं काम करता हूँ, 6 के ना टोटल 2 और 3 कितने? 5. 6 के टोटल 5 हिस्से कर देता हूं मैं, ठीक? तो मैंने एक लाइन बनाई, ये मैंने एक लाइन बनाई 6 की, ठीक है? ये एक हिस्सा, ये दो हिस्सा, ये 3, ये 4, टोटल 5 हिस्से बन गए. अब एक काम करते हैं कि अगर पांचों पांच इक्वल पार्ट्स हैं ये, तो इसमें से जो दो हैं आगे के वो दे देता हूँ फर्स्ट वाले को, एंड जो पीछे के 3 हैं वो दे देता हूँ सेकंड वाले को. तो सबको इक्वल पार्ट्स मिल गए, इसको मिलने थे 2, उसको मिलने थे 3. ये 2:3 में डिवीजन हो गया. सो फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे आपको रेशियोस को प्लस करना होगा, ठीक है? जो रेशियो के यूनिट्स हैं उनको प्लस करना होगा. स्टेप क्या है वो देख लो. फर्स्ट स्टेप इज टू ड्रॉ अ लाइन विच शुड बी 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, या जितना मेजरमेंट दिया हो उतना पूरा, ठीक है? इसके बाद इनको नाम दे देते हैं ए और बी. हमारी लाइन बनाने का काम तो पूरा हो गया. ऐसे याद रखो कि हाँ ये प्रोसीजर है, ये करना है, तो ये काम खत्म हो जाएगा फटाक से, ठीक है? ए बी लाइन सेगमेंट आपने बना दी 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, काम फिनिश. अब आप क्या करोगे, ए वाले पॉइंट से, ए पॉइंट से एक एक्यूट एंगल पे बनाना होता है, ठीक है? और मैं हमेशा कहता हूँ कि एक्यूट एंगल नहीं, आप 60 डिग्री पे बनाओ ना एग्जैक्ट. छोटा एक्यूट एंगल का लफड़ा, ड्रॉ इट ऑन 60 डिग्री, ठीक? 60 डिग्री कैसे बनाओगे? आप अपना राउंडर यहाँ पे रखोगे, पहले आप एक आर्क लगाओगे, और इस पॉइंट से उतने ही रेडियस पे दूसरा आर्क लग जाएगा, तो जो पहला एंगल बनेगा वही हो जाएगा 60 डिग्री. ये ऑब्वियसली नीचे की तरफ बनाओगे फिर आप, वैसे फर्क नहीं पड़ता, आप ऊपर बनाओगे तो कंस्ट्रक्शन अलग उस तरीके से बनेगा. हम इस तरीके से सीख रहे हैं, ओके? सो ए पॉइंट से 60 डिग्री का एक लेंथ ड्रॉ कर दिया आपने. ये 60 डिग्री एंगल होना चाहिए. हाँ, इसकी रूल है एक्यूट एंगल, बट हम काम कर रहे हैं 60 डिग्री, क्योंकि 60 इज ऑल्सो एन एक्यूट, बट 60 एक स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक नंबर है, राइट? तो एंगल ए कितना बन गया अपना 60 डिग्री. कितने हिस्से करने थे लाइन के? 2+3, टोटल 5. 2 एक जन को दे देंगे, 3 एक जन को दे देंगे, तो काम खत्म. तो 5 इक्वल हिस्से लगाने हैं अब आपको. इसकी लेंथ कितनी है उसकी कोई रूल नहीं है. सो ये हो गया A1, पहला हिस्सा AA1. जितना यहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस लिया उतना ही यहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस लेना है. राउंडर पर लेंथ चेंज नहीं होना चाहिए, कितना भी हो सकता है. आपको 1 सेंटीमीटर का लगाना है तो भी ठीक. आपकी सप्लीमेंट्री में लाइंस ड्रॉन होती है ना, वो भी एक आपका गाइड हो गया, एक मेजरमेंट हो गया, वो भी ले सकते हो आप, ठीक है? ये दूसरा हिस्सा 3, 4,
और ये पांच, ये पांच इक्वल हिस्से बना दिए मैंने, इज दैट ओके? कंस्ट्रक्शन के स्टेप सुनो अच्छे से। ड्रॉ ए बी ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, ठीक है। टेकिंग ए एज द सेंटर, टेकिंग ए एज द सेंटर, कंस्ट्रक्ट अ लाइन मेकिंग एंगल बी ए एक्स, मेकिंग एंगल बी ए एक्स इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। नाउ टेकिंग ए एज सेंटर, ड्रॉ ए ए वन ऑफ रेडियस आर, रेडियस की लेंथ अगर आपको लिखनी है 1 या 2 तो भी ठीक है, और लिखना नहीं है तो भी ठीक है, जिसमें ए ए वन, ए वन ए टू, ए थ्री ए टू, ए थ्री ए थ्री, ए फोर और ए फोर ए फाइव, सबकी लेंथ हो जानी चाहिए सेम, इज दैट ओके? तो यहाँ पे कुछ एक रूल्स बना देता हूँ मैं, वो याद रखो, आंसर मिलेगा फटाफट ड्रॉ हो जाएगा। कितनी मार्क लगाने हैं तो दोनों का टोटल, इज दैट ओके? ओरिजिनल लाइन कौन बताता है? तो जो आपका लास्ट होगा वो, तो यहाँ पे लास्ट क्या है? ए फाइव, ए फाइव से आप इस बी तक को ज्वाइन कर दो। ये क्या बनी हमारी? ओरिजिनल लाइन। क्या बनाई हमारा? ओरिजिनल लाइन। अब क्या डिसाइड करना है कि न्यू लाइन कहाँ से बनाओगे? न्यू लाइन कौन बताएगा भाई? तो न्यू लाइन बताएगा आपको हमेशा न्यूमरेटर। कौन बताएगा न्यू लाइन? न्यूमरेटर। हमारा न्यूमरेटर कितना था 2:3 में? वैसे रेशियोज में जब लिखा होता तब इसको एंटीसीडेंट और उसको कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं, फ्रैक्शंस में लिखा होता तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता, मैं उसी को न्यूमरेटर कंसिडर कर रहा हूँ अभी यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो ए फाइव बी की लाइन है ना, उसके उसके पैरेलल हमें एक लाइन बनानी है, कहाँ से? तो न्यू लाइन। न्यू लाइन कहाँ से है? न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या था? टू। मतलब मुझे ए फाइव बी से एक लाइन बनानी है पैरेलल ए टू पॉइंट से। कैसे बनाऊंगा? लाइन पैरेलल बनाने के लिए हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपना राउंडर यहाँ पे रखो और यहाँ से एक आर्क लगा दिया, ठीक है। ये मैंने यहाँ से आर्क लगा दिया जिससे ये दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन होना चाहिए। हो गया इंटरसेक्शन। अब यही सेम राउंडर का जो रेडियस है उठा के आप यहाँ पे ले आओ और ए टू पे लगाओ सेम। तो ये लगा दिया यहाँ से ए टू से, इज दैट ओके? अब ये तो लेना पड़ेगा ना कि एंगल का विड्थ है कितना। तो अब आप अपना राउंडर रखोगे यहाँ पे और यहाँ से राउंडर को करोगे स्ट्रेच। स्ट्रेच हो गया इतना, राउंडर उठा के लेके जाओ और यहाँ पे लाके मार्क लगा दो। आपकी लाइन बनेगी सीधी पैरेलल, क्योंकि आपने कर दिया इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। अंडरस्टूड? करस्पॉन्डिंग एंगल्स का इक्वल होना ज़रूरी है, तभी जाके आपकी लाइंस बनेंगी पैरेलल। अब मुझे क्या है, मुझे सॉफ्टवेयर में ये अलाउड है कि मैं यहाँ से सीधे लाइंस पैरेलल बना सकता हूँ। अंडरस्टूड ना? ए टू से लेनी है क्योंकि पहला हिस्सा कितने का, पहला हिस्सा कितने का है? टू पार्ट्स का। एग्जैक्टली 2:3। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। नाउ वी कैन कॉल दिस लेट्स से पी, ठीक है ना। मतलब ए पी और पी बी का जो हिस्सा है, तो ए पी जो है वो 2 पार्ट्स, पी बी जो है वो 3 पार्ट्स। ऐसा क्यों हुआ? ये क्वेश्चन भी तो आएगा ना कि ये तो सर आपने सिर्फ हम लोग को रटवा दिया कि ये स्टेप्स कर लेना, पर ऐसा हुआ कैसे? हाउ हाउ डू वी जस्टिफाई दैट दिस कंस्ट्रक्शन इज एक्चुअली डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट इन 2:3 रेशियो? ट्राई टू अंडरस्टैंड। डू यू सी अ ट्राइंगल? पक्का? उसमें एक लाइन जो है वो बेस को पैरेलल है, इसका मतलब रेशियोज इक्वल है। व्हाट हैपेंस इफ लाइंस आर पैरेलल? तो ए से ए टू और ए टू से ए फाइव, ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट इज इक्वल टू ए पी अपॉन पी बी। तो बिकॉज ऑफ बी पी टी वी हैव ए ए टू अपॉन ए टू ए फाइव इज इक्वल टू ए पी अपॉन पी बी। इज दैट ओके? एकदम इजी, राइट? सबको अपनी नोटबुक्स में अभी एक एक करके मुझे बना बना के दिखाना है राइट नाउ। लेंथ है 6 सेंटीमीटर, रेशियो है 2:3, फाइन। अब देखो हम लोग ये कंस्ट्रक्शन कैसे कर रहे हैं। चीज़ें सेम है, क्वेश्चन भी सेम है, टॉपिक भी सेम है, सिर्फ करने का थोड़ा सा तरीका बदल दिया। एंड अब आपको समझ में आएगा कि क्यों मैंने 60 डिग्री बोला यहाँ पे करने को। ट्राई टू अंडरस्टैंड।
सबसे पहले आप एक एक्यूट एंगल की लाइन ड्रॉ कर दो, सो वी हैव ए, फिर आप बनाओगे ए वन और ए टू। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपका रेशियो तो 2:3 का है ना, तो पहला पॉइंट कितना है 2, तो ए से ए वन और ए वन से ए टू, बस इतना ही बनाओ। कितना एंगल बनाया है यहाँ पे, 60 डिग्री। अब यही 60 डिग्री वहाँ भी बनाओ ऊपर की तरफ। ऊपर कितना बनाना है, ऊपर भी एंगल बनेगा 60 डिग्री, बट सिर्फ ऊपर के तरफ। नाउ सी, ये एंगल भी अपना बन गया 60 डिग्री। इज दैट ओके? अब यहाँ से आप लगाओगे 3 मार्क, बट ये रेडियस और वो आर्क जो लग रहे हैं, अच्छा मार्क लगाते टाइम के रेडियस सारे सेम होने चाहिए, तो ये वाला जो लेंथ है वो ए बी वन बी टू और बी थ्री, कितना हो गया बी वन बी टू और बी थ्री। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, स्ट्रेट लाइन बनाई 60 डिग्री पे एक एक्यूट एंगल की लाइन, ऊपर भी 60 डिग्री पे एक एक्यूट एंगल की लाइन। अगर आपने 60 नहीं बनाया तो यहाँ से एंगल कॉपी करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एंगल्स सेम होने चाहिए, इसलिए बेटर है 60-60 बनाओ ना, ज़्यादा ईजी बनता है वो। न्यूमरेटर में 2 है इसलिए नीचे 2, डिनोमिनेटर में 3 है इसलिए डिनोमिनेटर में ऊपर की जगह 3। अब क्या करना है पता है आपको, एक स्टेप और सम खत्म, ए टू को बी थ्री से ज्वाइन करो, चलो काम खत्म। ये आपकी ब्लू कलर वाली लाइन डिवाइड हो गई 2:3 में, ज़्यादा ईजी है। हाँ, इन दोनों में से कोई भी आप तरीके से कर सकते हो। ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ सक्सेसफुल अटेम्प्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स वेरी इजी, ध्यान देना अच्छे से। देखो हमारे पास है 2 ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल ए पी ए टू एंड ट्राइंगल बी पी बी थ्री। इस ट्राइंगल में और उस ऊपर वाले ट्राइंगल में हमने पहले तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी रखा, और एंगल ए पी ए टू इज इक्वल टू एंगल बी पी बी थ्री, ये अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो गए, कौन सी सिमिलैरिटी हो गई है, डबल ए सिमिलैरिटी। देयरफॉर ट्राइंगल ए पी ए टू इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी पी बी थ्री, रीजन हो गया डबल ए सिमिलैरिटी। ठीक है, अगर ट्राइंगल सिमिलर होते तो उनके रेशियोज इक्वल होते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स के, तो क्या होगा ए पी अपॉन बी पी इज इक्वल टू ए ए टू अपॉन बी बी थ्री। ए पी अपॉन बी पी ये रहा, इसका तो रेशियो अपने को चाहिए ही था, और ए ए टू, ए ए टू कितना है 2, और बी बी थ्री का रेशियो कितना है 3, आ गया रेशियो 2:3 में। वो वाला बी पी टी से हुआ था, ये वाला सिमिलैरिटी से हो गया। जस्टिफिकेशन जो मैंने समझाया वो लिखना आपको, ये यस आया समझ में, वही सेम क्वेश्चन है बट अब जो थोड़ा ज़्यादा इजी हो गया ना, राइट। नेक्स्ट इज ट्राइंगल स्केलिंग। नाउ स्केल करने का मतलब होता है या तो उसको बड़ा करना या फिर छोटा करना, एनलार्ज करना या फिर डिमिनिश करना। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अब जो ट्राइंगल गिवन है उसका एनलार्जमेंट होगा या डिमिनिश होगा वो डिपेंड करता है गिवन रेशियो पे। ठीक है, सो सपोज करते आपको, अच्छा व्हाट इज 4/4, 1 का मतलब होता है इक्वल, दैट मींस ओरिजिनल। ठीक है, जो दिया है वो 4/4 यानी कि 1 है, वो ओरिजिनल है। अगर मैं लिखता हूँ 3/4 मतलब छोटा है ना, जो भी लेफ्ट साइड लिखूंगा मैं, इफ आई हैव रिटन 2/4 छोटा, 5/4 बड़ा, 6/4 enlarged, so 4/4 will be given, अगर 5/4 लिखा हुआ है तो enlarged होगा, 3/4 लिखा है तो diminish होगा। ठीक है, अच्छा अब 3 questions हैं, उसके 3 answers होंगे, आपको अगर वो answers याद रहेंगे तो आपका drawing फटाफट बनेगा। First question, कितने mark लगाने हैं, ये कौन suggest करता है, तो दोनों में से जो ratio दिया उसमें से जो larger होगा वो बताएगा कि कितने marks लगाने हैं आपको। ठीक है, मार्क समझ गए कहाँ लगाने हैं, वो नीचे एक्यूट एंगल वाली लाइन पे, एग्जैक्टली ओरिजिनल लाइन कहाँ से लगेगी कौन बताएगा, वो बताता है डिनोमिनेटर, कौन बताएगा वो डिनोमिनेटर।
और न्यू लाइन कहाँ से बनेगी, वो कौन सजेस्ट करता है? न्यूमरेटर, क्योंकि छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा वो न्यूमरेटर्स डिसाइड करते हैं ना। कौन डिसाइड करते हैं? वो न्यूमरेटर्स। ओरिजिनल कितना था वो कौन डिसाइड करते हैं? डिनोमिनेटर। और दोनों में से जो बड़ा है उतने मार्क आपको लगाने होंगे। बस ये तीन क्वेश्चंस याद रखो, मैं भी क्वेश्चन पूछूंगा, डायग्राम बन जाएगा। ठीक, प्रॉब्लम यहाँ पे इसकी नहीं है, क्योंकि ये तो लाइन डिवीजन में आप सीख चुके हो। प्रॉब्लम यहाँ पे है ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने की। अब ट्राइंगल बड़े अलग अलग तरीके से बनते हैं, राइट? ट्राइंगल्स अलग अलग तरीके से बनते हैं, गॉट इट? तो जितने टाइप के ट्राइंगल्स उतने टाइप के कंस्ट्रक्शंस दिए जा सकते हैं। हम लोग इसमें चार पांच एग्जांपल्स देखते हैं ताकि ये चीज़ पक्का हो जाए, फिर करेंगे हम लोग सर्कल टेंजेंट। ओके, उसके बाद क्योंकि आपके पास कोई एंगल मेजरमेंट दिया हुआ नहीं है, तो आप 6 सेंटीमीटर का आर्क लगा सकते हो, और दूसरा भी कोई मेजरमेंट दिया नहीं तो आप 7 सेंटीमीटर का भी सिर्फ आर्क ही लगा सकते हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ से अपने रेडियस, अपने राउंडर पे 6 सेंटीमीटर का रेडियस ले लो, ये पहला आर्क, और यहाँ से ये दूसरा आर्क, एंड दिस पॉइंट लेट दिस पॉइंट बी सी। तो इनको कर दोगे आप सीधा, एक इस पॉइंट से और एक उस पॉइंट से, एक 6 सेंटीमीटर का, एक 7 सेंटीमीटर का, ये हो गया दोनों का जॉइनिंग। क्या लिखा जाएगा, हेयर ए बी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और ए सी हो गया 6 सेंटीमीटर। इज दैट ओके? ये जितने का भी ट्राइंगल दिया होगा हम इसको क्या कंसिडर करेंगे, 4 बाई 4। 4 बाई 4 का मतलब क्या होता है? 1। अच्छा, क्यों 4 बाई 4? क्योंकि मैं इसको एक बार 3 बाई 4 में स्केल करना चाहता हूँ अभी पहले। अब 4 बाई 4 ओरिजिनल था, तो 3 बाई 4 क्या हो गया? छोटा। अब कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर। सबसे पहले एक एक्यूट एंगल की लाइन बना लेते हैं, 60 डिग्री की ही बनाएंगे, राइट? इज दैट ओके? पहली लाइन 60 डिग्री की बन गई, 3 बाई 4 का रेशियो है। क्वेश्चन, कितने मार्क लगाने हैं लार्जर? दोनों में से बड़ा कौन है? 4 मार्किंग करनी है। चलो लगाते जाते हैं, A1, A2, A3, A4, A1, A2, A3 एंड A4। इज दैट ओके? फिर क्वेश्चन, ओरिजिनल लाइन कहाँ से? ओरिजिनल लाइन लगानी है आपको, डिनोमिनेटर बताएगा, डिनोमिनेटर कितना? 4। तो अब आप 4 पे पॉइंट करो और ओरिजिनल लाइन से इन दोनों को ज्वाइन कर दो। ओरिजिनल लाइन किसने बताई? डिनोमिनेटर में, विच इज 4। अब आपको बनानी है न्यू लाइन। न्यू लाइन कौन बताएगा? न्यूमरेटर। क्या है न्यूमरेटर? 3। इसका मतलब पता क्या हो गया, कि आपका ओरिजिनल ट्राइंगल 4 यूनिट्स का था, अब आप बनाओगे अंदर, मतलब आपका ट्राइंगल क्या हो जाएगा? छोटा, क्योंकि 3 बाई 4 इज अ स्मॉलर रेशियो, राइट? अब हमें क्या करना है, यहां से फिर वही एंगल कॉपी करना है। आई बात समझ में? एंगल कॉपी करेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल। सो ये लाइन आपको एग्जैक्टली वहां पे बनाना है, एंगल कॉपी करके। यहां से लाइन आपकी पैरेलल नहीं दिखती है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, एंड आप लोग की लाइंस पैरेलल नहीं दिखती है। अगर आप लोग ने एंगल्स कॉपी नहीं किए ढंग से, लाइंस पैरेलल नहीं है, आपके मार्क्स वहीं कट जाएंगे। एक बेसिक अजम्पशन है, इफ लाइंस आर नॉट पैरेलल, दिख भी नहीं रहा ना, मार्क्स कटेंगे, राइट? नाउ यहां से यहां तक आपने कंस्ट्रक्ट कर दिया, ऑलमोस्ट काम खत्म। अब एक बार फिर से एंगल कॉपी करना है यहाँ का। अपना राउंडर यहाँ पे रखोगे, इन दोनों को कट करोगे, फिर इस पॉइंट से फिर से ये कटिंग होगा, यहाँ से ये स्ट्रेच ले लोगे, यहाँ से ये इधर तक, जहाँ से भी लाइन पास होती है उस लाइन को वहाँ से पास कर दो। बट योर लाइन्स शुड बी पैरेलल, बिकॉज व्हाट वी आर डूइंग इज कीपिंग एंगल्स इक्वल। ये बन गया छोटा ट्राइंगल, एंड दैट्स इट, दिस इज योर सी डैश। सो सी डैश ए, और ये जो बन गया इधर बी डैश। ट्राई टू अंडरस्टैंड, कितना अच्छा और इजी टाइप का सम है ये। सपोज करते ना, हमें सेकेंड पॉइंट से बनाना है, तो ये बन गई सेकेंड पॉइंट से लाइन, ये कितने का रेशियो हो जाएगा? 2:4। 2:4 का मतलब क्या होता है? आधा।
जब आप यहाँ तक बनाओ तो यही लाइन को फिर से यहाँ कॉपी कर दो, ये बन गया आपका 2x4 का ट्रायंगल, है इजी। अब सपोज करते हैं आपको बनाना है बड़ा, तो ये जो लाइन है वो लाइन अब कहाँ आगे जाएगी, बाहर की तरफ A5। अब आपको इसको करना होगा एक्सटेंड, इस लाइन को भी करना होगा एक्सटेंड, आई बात समझ में। अब आपको यही वाली लाइन फिर से कॉपी करनी है इस पॉइंट के ऊपर से, बोलो, और करना होगा आपको इसको एक्सटेंड। यही होते हैं, लाइक 4 की जगह 3 होगा डिनोमिनेटर में, कुछ रेशियो होगा ऐसा, बट काम यही है, समझ में आया? ये सब इक्वल 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 रेशियोज में डिवाइड हो गए। इन ट्राइंगल ए ए फोर एंड बी, ए थ्री बी डैश इज पैरेलल टू ए फोर बी, ये जो लाइन है वो इसके साथ पैरेलल हो गई। तो BPT का याद है, एक उल्टा प्लस वन उल्टा वाला केस हमने किया है, वो केस हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो ए से लेके ए थ्री तक, ए थ्री अपॉन ए फोर इज इक्वल टू ए बी डैश अपॉन ए बी, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 अपॉन पूरा 4। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। तो इसका मतलब ए से लेके बी डैश और ए से लेके बी तक का रेशियो कितना है, 4 का, 3 3 अपॉन 4 का। ठीक है, उसके बाद अब आ जाते हैं वहाँ पे। अब आपको दो ट्राइंगल्स दिखते हैं यहाँ पे, इन ट्राइंगल ए बी डैश सी डैश एंड ट्राइंगल ए बी सी। अपना ए बी सी ट्राइंगल ओरिजिनल था, इसमें हम लोग ने एक एंगल तो इक्वल रखा ही है पहले से, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, और दूसरा एंगल हमने जानबूझ के कॉपी किया, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एंगल ए बी डैश सी डैश इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, बाय कंस्ट्रक्शन हमने इक्वल बनाया, तो ट्राइंगल्स हो गए सिमिलर। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डैश सी डैश इज इक्वल टू सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी बाय डबल ए सिमिलैरिटी। इसका मतलब ए बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश सी डैश अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए सी डैश अपॉन ए सी, और ए बी डैश अपॉन ए बी का रेशियो क्या है, क्या है, 3/4। तो जो ट्राइंगल है उसकी तीनों तीन साइड्स स्केल हो गई है 3/4 में, हेंस दे आर सिमिलर टू ईच अदर। और स्केलिंग में हमेशा आपके फिगर को सिमिलर रखना होता है, सिर्फ उसका एस्पेक्ट रेशियो चेंज किया जाएगा, रेशियोज में उसको कन्वर्ट किया जाएगा। अंडरस्टूड? टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको ड्रॉ करना है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसका बेस है 8 सेंटीमीटर और जिसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC बनाना है आपको। ठीक है, कोई और साइड नहीं थी, कोई और एंगल नहीं दिया, बस इतना इन्फॉर्मेशन दे देंगे। सो आपके लिए मुश्किल कहाँ खड़ी होगी अगर आपसे ट्राइंगल ही नहीं बना तो, है ना? तो इसके स्टेप्स क्या है, क्या करना है इसमें, पे अटेंशन। वी हैव टू ड्रॉ अ ट्राइंगल ABC, राइट? उसमें बेस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले बेस तो बना देते हैं, लेट्स से दिस इज बेस BC। नाउ क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इधर ही सारी प्रॉपर्टीज है, इसका परपेंडिकुलर ही इसका मीडियन होता है। एक ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर भी हो और जो मीडियन भी हो उसे क्या कहते हैं, एक ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर भी होती है और मीडियन भी होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन, एक ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर भी होती है और ऑल्टीट्यूड भी होती है उसे क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां से ड्रॉ होगा, तो वो ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है वो सुन लो, बी पॉइंट से मोर देन हाफ रेडियस लेके पहले एक आर्क लगाओगे, सी पॉइंट से ऑब्वियसली ऑन द लाइन ऊपर से लेके नीचे पूरा एक लंबा सा आर्क, सी पॉइंट से मोर देन हाफ का रेडियस लेके एक आर्क लगाओगे। नाउ दीज आर्क्स मस्ट इंटरसेक्ट, ये दोनों आर्क आपके इंटरसेक्ट होने चाहिए। तो सपोज करते हैं हमें सेंटर पॉइंट मिलता है यहाँ पे,
एट पॉइंट पी। एंड ये थोड़ी ना पॉइंट है सिर्फ, यहाँ से तो एक्चुअली एक लाइन पास हो रही है ना पूरी, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन। अब ये 90 डिग्री भी है और मीडियन भी है, परपेंडिकुलर भी है बाइसेक्टर भी है, मतलब इधर से हाइट कितना लेना अपने को, 4, राउंडर पे 4 सेंटीमीटर लेके आर्क लगा दो, राउंडर पे 4 लेके आर्क लग गया। अब आप ज्वाइन कर दो इसको यहाँ से यहाँ तक और इसको यहाँ से यहाँ तक। सो नाउ वी हैव फाउंड आर ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें बेस है 8 सेंटीमीटर और हाइट है 4 सेंटीमीटर, एंड दैट्स इट। ट्राइंगल बन गया ना, अब ट्राइंगल का काम हो चुका है फिनिश। अब आपको स्केलिंग शुरू करना है। सपोज करते मैंने कह दिया इसको 2:3 के रेशियो में कन्वर्ट करो, तो एक्यूट एंगल की लाइन लगा के कितने मार्क करोगे, दोनों में से जो लार्जर होता है वो। ओरिजिनल लाइन कितने की बनेगी, डिनोमिनेटर डिसाइड करता है वो, तो 3। और न्यू लाइन वो डिसाइड करता है न्यूमरेटर, वो बनेगी 2 पॉइंट से। ठीक है, स्टार्ट करना है ये आपको राइट एंगल्ड 6, 8 और 10 सेंटीमीटर का। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर होता है, तो ये बन गया राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, ओरिजिनल अगर 2/3 या वॉट एवर इट इज, और 3/3 हम लोग बनाते हैं इसको 4/3। 4/3 मतलब 3/3 से बड़ा हो गया ना, मतलब आपको एनलार्जमेंट करना है इसका। लेट्स ड्रॉ दिस 1/1। इस केस में आपको 10 को बेस पे बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप बेस बनाओगे 8 और यहाँ से 90 डिग्री पे हाइट बनाओगे 6, तो ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, तो हाइपोटेनियस ऑटोमेटिकली बन जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। ट्राइंगल बन गया, चलो ठीक है। ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन हो जाने के बाद अब आपको इसको करना है एनलार्ज, राइट। क्वेश्चंस, कितने मार्क लगाएंगे, दोनों में से लार्जर कौन सा है, 4। ओरिजिनल लाइन कितने की, वो डिनोमिनेटर डिसाइड करता है, 3। और न्यू लाइन कितने की, वो न्यूमरेटर डिसाइड करता है, दैट विल बी 4। ठीक है, ये समझ आ गया यहाँ तक। नाउ मार्किंग करेंगे पहले। सो वी हैव, लेट्स से दिस इज बी, तो 1, 2, 3 एंड 4। सो दिस इज B1, B2, B3, B4। मार्किंग हो गई। अब ओरिजिनल लाइन बनाएंगे, वो कहाँ से बनेगी, 3 से। तो 3 से जब आप इसको ज्वाइन करते हो तो देख रहे हो एक पॉइंट बाहर है, वहाँ से नई लाइन बनेगी तो ट्राइंगल आपका एनलार्ज हो जाएगा अपने आप, राइट। पर वो नई लाइन बनाएंगे कैसे, यहाँ का एंगल कॉपी करेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। सेम प्रोसीजर, एंगल कॉपी करना है, लाइंस बनानी है पैरेलल। अच्छा, तो क्या अब मैं लाइंस पैरेलल बनानी, अगर ऐसा कहता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा कि सर ने एंगल्स कॉपी करने ही पड़ेंगे हम लोग को, राइट। सो लेट्स एक्सटेंड दिस लाइन, ये आपको अब लाइन एक्सटेंड करनी पड़ेगी, लाइन एक्सटेंशन हो गया। अब ये वाली जो लाइन है वो कॉपी करनी है हम लोग को यहाँ पे, ये दोनों लाइंस पैरेलल बननी चाहिए। अब आप इस लाइन को भी एक्सटेंड करोगे और फिर आपको ओरिजिनल ट्राइंगल का जो लाइन था वो भी एक्सटेंड करना पड़ेगा। सो दिस वॉज योर ओरिजिनल, एंड जो बाहर बना वो है आपका न्यू ट्राइंगल विच इज एनलार्ज्ड। सेम चीज़ें हैं, या अंदर बनेगा या बाहर बनेगा, अगर डिमिनिश करना है तो अंदर, एनलार्ज करना है तो फिर बाहर। कुछ मत करो कुछ भी। सर्कल टेंजेंट, कम ऑन ट्राई टू अंडरस्टैंड सर्कल टेंजेंट कैसे बनाना और ये किस तरीके से सर्कल चैप्टर से कनेक्टेड है, उस पूरा ध्यान दोगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग को एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। एक सर्कल सबसे पहले दिया हुआ है। अब क्वेश्चन शुरू कैसे होगा वो सब समझ लो। मैंने बोला सर्कल, हो सकता है आपको बोला हो ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर और 4 और 5 सेंटीमीटर। तो आपको रेडियस लेना है 3, 4 या 5, व्हाटएवर इज गिवन, उसका आपको करना है ड्रॉ एक सर्कल।
सेंटर आपको मिला हुआ होगा ऑलरेडी, सेंटर से 6 सेंटीमीटर दूर या 5 सेंटीमीटर दूर या 8 सेंटीमीटर दूर, कितने भी सेंटीमीटर्स दूर एक पॉइंट दे रखा है इन्होंने आपको एक्सटीरियर में, ठीक है। सर्कल विथ गिवन रेडियस इज ड्रॉन, एक्सटीरियर का एक पॉइंट इन्होंने दे रखा है सेंटर से कितना दूर है वो भी हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से शुरू होता है आपका सर्कल टेंजेंट बनाने का फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले आपको ज्वाइन करना है सेंटर से पॉइंट टू द एक्सटीरियर को, ज्वाइन कर दिया, ठीक। नहीं, वो सेंटर से 7 सेंटीमीटर होगा एंड वो आपको दिया हुआ होगा फ्रॉम द सेंटर और फ्रॉम द सर्कल। इफ इट इज फ्रॉम द सेंटर तो आपको सेंटर से ही 6 सेंटीमीटर गिनना है, तो ये भले 3 हो आगे और 3 बनेगा, वो जितना मेजरमेंट दिया होगा उतना बन जाएगा, राइट। क्वेश्चन बोला है ड्रॉ टू टेंजेंट्स, ड्रॉ टू टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट एक्सटीरियर टू द सर्कल। नाउ कम्स थियरम 10.2 जिसमें ये बताया गया है कि दोनों टेंजेंट्स की लेंथ हमेशा होती है इक्वल। तो फर्स्ट स्टेप इज टू जॉइन द लाइन सेगमेंट, हमने लाइन ज्वाइन कर दी सेंटर ऑफ द सर्कल से पॉइंट टू द एक्सटीरियर वाली, ठीक है। अब आपको इसका सेंटर पॉइंट ढूंढना है, इस लाइन का सेंटर पॉइंट ढूंढने के लिए हमारे पास सिर्फ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने का स्टेप रहता है बाकी। सो विल ड्रॉ टू आर्क्स फ्रॉम टू एंड पॉइंट्स एंड विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो पास होगा यहाँ कहीं सेंटर से, ठीक है। इसका नाम है ओ, इसका नाम है लेट से ए और पी, एनी पॉइंट इन द एक्सटीरियर, इसको ले लेते हैं हम लोग बी। अब इस स्टेप को लिखा कैसे जाता है वो समझ लो। टेकिंग B as center and BO as radius, मतलब मैंने B को सेंटर लिया और BO को मान लिया रेडियस, ठीक है। आपने राउंडर का नीडल यहाँ रखा और यहाँ तक कर लिया उसको स्ट्रेच, एंड उसके बाद अब आप बनाओगे एक नया सर्कल जो जिसका सेंटर क्या होगा B, ठीक है। अब आपने एक नया सर्कल बना दिया, फिर से स्टेप्स याद रखो, सेंटर ऑफ द सर्कल से एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, ओ और पी को आपने ज्वाइन करने के बाद उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ढूंढा। नाउ टेकिंग बी एज सेंटर एंड बी ओ एक एज रेडियस, आपने एक सर्कल कंस्ट्रक्ट किया नया। आप देख रहे हो दो पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो गया सर्कल का। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ से आपको एक लाइन पास करनी है, यहां से आप जो लाइन पास करोगे वो लाइन क्या बन जाएगी, वो लाइन बन जाएगी आपकी टेंजेंट, फाइन, ठीक। आपको क्या करना है उस पी पॉइंट से यहां की विसिनिटी में एक लाइन पास करनी है और यहीं से एक और लाइन पास करना है। दीज विल बी टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू द ओरिजिनल सर्कल। नाउ जस्टिफिकेशन कि क्यों जो बनाया है वो सही है, राइट, क्यों जो बनाया है वो सही है वो देखना है हमें, राइट। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बड़े वाला सर्कल उसमें ओपी क्या है, डायमीटर। नाइन स्टैंडर्ड सर्कल्स थ्योरम 10.8 केस 2, डायमीटर से बना हुआ कोई भी एंगल कितना होता है 90 डिग्री, मतलब यहाँ पे कितना है, यहाँ पे ये एंगल कितना है 90। बड़े वाला ट्राइंगल हटा देता हूँ, बड़े सर्कल हटा दिया मैंने, अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, एक ऐसी लाइन जो टेंजेंट को परपेंडिकुलर है वो कौन होता है, रेडियस। सो नाउ रेडियस इज परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट विच इज टेंजेंट, थ्योरम 10.1। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 9 स्टैंडर्ड का थ्योरम एंड 10 स्टैंडर्ड का थ्योरम, रखना। रेडियस है लेट्स टेक 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस सर्कल का जो डायमीटर है आपको उसको एक्सटेंड करना है, ठीक है, और सेंटर से दोनों साइड्स उस एक्सटेंडेड डायमीटर पे सेंटर से दोनों तरफ 8 सेंटीमीटर दूर, सेंटर से 8 सेंटीमीटर दूर
उस एक्सटेंडेड डायमीटर पे आपको कैसे मिलेगा, देखो ये सर्कल, ये आपका डायमीटर सेंटर से 8 सेंटीमीटर दूर और 8 सेंटीमीटर दूर, दोनों तरफ से दो दो टेंजेंट्स बनाने हैं। आपका डायग्राम दिखेगा रफ कुछ ऐसा। स्टार्ट करो, या मैं आप लोग को एक बार स्ट्रैटेजी समझा देता हूँ, फिर ट्राई करो, ठीक है? लेट्स से दिस इज योर डायमीटर एंड मैंने इसको एक्सटेंड भी कर लिया है, ठीक है? 5 सेंटीमीटर का रेडियस का सर्कल, सर्कल का जो डायमीटर है उसको एक्सटेंड किया मैंने। अब सेंटर है ये, और लेट्स से सेंटर से 8 सेंटीमीटर दूर है ये वाला पॉइंट, और सेंटर से 8 सेंटीमीटर दूर है ये वाला पॉइंट। इनको दे देते नाम हम लोग ओ ए और बी। इज दैट फाइन? क्वेश्चन सुनने में और दिखने में कॉम्प्लिकेट हो गया, राइट? बट अदरवाइज कुछ इसमें है नहीं, करना क्या है वो समझ लो। इस तरफ का भूल जाओ, ओ से लेके बी तक आपको क्या दिख रहा है, जो पहले सम में दिख रहा था वही ना, सेंटर से एक्सटीरियर, ये रहा सेंटर वो रहा एक्सटीरियर। पहले आप ओ बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ढूंढ लो, ठीक है? फिर आप एक नया सर्कल बनाओगे जो ओ और बी से पास होता हो। इज दैट फाइन? ओ बी 8 सेंटीमीटर, सेंटर से 8-8 सेंटीमीटर दूर। अब आप यहां से क्या करोगे, एक टेंजेंट पास करोगे, ठीक है? ये बन गया पहला टेंजेंट, ठीक। सिमिलरली अब आप बनाओगे दूसरा टेंजेंट, एक तरफ से बन गया। अब ओ से लेके ए तक का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ढूंढो, लेट से वो यहां पे आएगा। इसको सेंटर लेके यहां से इतना रेडियस लेके आप एक बनाओगे नया सर्कल, ठीक है? अब यहां से आप बना दो नया दूसरा टेंजेंट। आया समझ में? ये बन गया आपके, ये बनेगा आपका डायग्राम कुछ इस तरीके से, ठीक है? स्टार्ट करना है आपको अभी।